वेरी गुड आफ्टरनून। और अभी फिलहाल टाइम हो रहा है दोपहर के 1:30, तो आज काफी 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 देर हो गई ब्लॉग स्टार्ट करने में। एक के बाद एक फिर वही कुछ ना कुछ काम आता रहा। और सुबह उठा, हालांकि उठा था सवेरे ही, 7 से पहले ही उठ गए थे, लेकिन नाश्ता बनाना, खाना बनाना, बस इन सब में बिजी रहे। और कुछ देर फिर बैठ गए, बात बात करने लगे तो देर हो गई। और खैर चलो, अभी स्टार्ट कर दिया ब्लॉग, और ये वाला बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। तो रात में हम लोग इसको ऑन करके ही सोए थे, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर चेंज हो रहा था, कमरे में अंधेरा था और इसमें लाइट हो रही थी, चेंज हो रहा था कलर, तो बड़ा अच्छा लग रहा था देखने में। और इसका जो अक्स है ना, वो छत पर ऊपर आता है ना, तो एकदम जाल जाल की तरह आता है, तो बड़ा खूबसूरत लगता है देखने में, तो बहुत अच्छा लग रहा है। कलर चेंज हो रहा, अगर एक कलर रहता ना तो फिर ठीक लगता, उतना बेहतर नहीं लगता, लेकिन अगर कलर चेंज हो रहा है तो अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर जो वॉल हैंगिंग जो टांगा था, लंबा वाला जो था, दुआ था, वो काफी लंबा हो रहा था, तो अच्छा नहीं लग रहा था यहाँ पर, तो उसको हटा करके, और एक ये वाला भी लाया था, तो ये छोटा सा, तो इसको लगा दिया है, तो ये इस तरह का है, छोटा है, तो फिर इसको लगा दिया, वो वाला हटा दिया। और एक इस टाइप का मोहम्मद जो था लिखा हुआ, वो नीचे भी दे दिया और एक यहाँ पे रख दिया। तो बस अभी ये कुछ कुछ रखा है, और बाकी सब तो वहीं पर रखा ही हुआ है, अभी कुछ भी नहीं किया है। आरिज हल्ला भी कर रहा है कि मेरे टेबल पर से हटाओ, सब कुछ भर रख दियो। तो देखते हैं अभी कहाँ पर एडजस्ट करते हैं, अभी सोचा नहीं है कुछ भी। और आरिज अभी कुछ मंगाया है बादशाह बिरयानी से, चिकन ड्राई रोस्ट, तो कुछ इस तरह का है, इस पर कड़ी पत्ता डाला हुआ है, हरी मिर्च है, और इस तरह से चिकन है, तो इसमें कड़ी पत्ता का पूरा फ्लेवर आ रहा है, तो बहुत टेस्टी लग रहा है खाने में, बहुत मज़ेदार है। चिकन ड्राई रोस्ट इसका नाम है, तो हम लोग कभी ट्राई नहीं किया था, ये फर्स्ट टाइम आज मंगाया है, तो अच्छा है, देखते हैं। एक तो पीस अभी उठा के खाया था हम लोग, हम और आरिज, तो बड़ा अच्छा लग रहा था खाने में, थोड़ा सा कड़ी पत्ता का टेस्ट आ रहा है ना, तो वो फिर बहुत अच्छा लग रहा है। और आरिज अभी इतना सारा आइसक्रीम लेकर के बैठा है, पूरा फैमिली पैक था, तो पूरा डब्बा, आधा डब्बा पूरा ले लियो क्या? हाँ, जितना था सारा ले लियो, हम क्या था, निकल ही रहा, तो अभी खा लेंगे जितना खाना, बाकी हाँ। तो बाकी डब्बा फेंक दिए। हाँ। अच्छा, ये ऐसे ही रख दोगे? और ये क्या कर रहे हो? इतना सारा अभी खाना खाए और अभी इतना आइसक्रीम लेकर के बैठा है। कैसा लग रहा है? बहुत टेस्टी है। मजेदार है, तो खाओ। क्या करोगे उसको? ऐसे ही खाओ, क्यों मेल्ट मत करो, ऐसे ही खाओ ना, ऐसे ही अच्छा लगेगा। मेल्ट क्यों कर रहे हो? मेल्ट करेंगे उसके ऊपर से हर्षीज को वापस डेकोरेट करेंगे। और डाल, तो और डालोगे हर्षीज इसके ऊपर? इतना तो डाल दिए हो, ये पिघल जाएगा, तो ये तो सब बर्फ टाइप का रहता है ना। और अभी फिलहाल शाम के 5:30 हो गया, और हम लोग अभी छत पर आए, 5:30 से ज्यादा ही हो रहा है, 6 बजने वाला है, और अभी छत पर आए हैं, बस ऐसे ही बैठे बैठे घर में क्या करें, नीचे बैठे हुए थे तो अभी आ गए छत पर थोड़ा सा टहलने के लिए। और क्या हुआ, क्या नेट कहाँ, ये इधर नेट का तार, कोई बिल्डिंग से आएगा तो खींच लेगा उसको, तो उसको ठीक करो, पूरा नेट वाला जो हम लोग का वाईफाई का तार है ना, वो पूरा नीचे तक एकदम, हाँ तो फोन करो उनको, वो आ करके ठीक करेंगे। जो हम लोग का तार है वाईफाई वाला, ये पता नहीं क्यों पूरा एकदम नीचे तक लटक रहा है, तो आरिज उसको खींच करके ठीक कर रहा है, यहाँ पे सही कर रहा है। तुमसे नहीं होगा तो बुला लो भाईजन को, बुला लो, या फिर उसको क्या करोगे, फिर उसको करोगे क्या, ऊपर कर दिए तो फिर नीचे हो जाएगा, वापस छोड़ोगे तो देखो बिजली की तार में टच हो रहा है वो। इसको करो ना, कहीं पर बांध दो, नहीं तो फिर टूट जाएगा। और अभी फ़ोन किया है उनको, तो वो भेज रहे हैं किसी को बनाने के लिए, नहीं तो सब तो इसको तोड़ ही देगा, वो जो सामने बच्चा लोग खेल रहा है सब उसको लटक रहा था, तो अभी इसको भेज रहे हैं, बोले भेज रहे हैं बनाने के लिए, तो आरिज इधर ऐसे करके ऊपर अभी फिलहाल कर दिया है, लेकिन अगर छोड़ रहा है तो फिर वापस नीचे चला जा रहा है। तो चीज़ नहीं जिसमें अटका देंगे, ये वाला जो तार है, ये वाला, और अभी तो बांध करके अतीब ठीक कर दिया है, थोड़ा सा ठीक हो गया है, यहाँ पे बांध दिया है, लेकिन अभी वो आ रहे हैं तो फिर ठीक करेंगे, लग रहा है कि उधर से कहीं टूटा उठा है तार, तो इस वजह से ऐसा हो गया है। और अब रात के 8:30 हो गया है, और हम लोग बस इसी तरह बैठे हुए हैं, आज तक पढ़ाई कर रहा था और उठ करके फिर पता नहीं कहाँ गया, दिमाग में उसके कुछ आया है कि अभी एक और एक्सपेरिमेंट करना है, तो एक पॉपकॉर्न का पैकेट लेकर के आया है, और अभी उसका उसने जितना बटर वटर लगा हुआ है उसको टिश्यू पेपर से साफ कर रहा है, और आयरन पे रख करके पॉपकॉर्न बना रहा है,
पता नहीं कैसे बनाएगा, देखते हैं क्या करता है। तो अभी आयरन लेकर के आया और पॉपकॉर्न का पैकेट लेकर के आया, लेकिन इसको बटर इसलिए इसको बोला है कि इसको पहले साफ कर दो, क्योंकि आयरन पर रखोगे तो फिर आयरन पूरा गंदा हो जाएगा, पीछे से लग जाएगा तेल में, और फिर कपड़े पर प्रेस करेंगे तो कपड़ा बेकार हो जाएगा। तो वही कर रहा है, देखो कैसे करता है, देखते हैं होता है या नहीं होता है। कहीं पे देखा था शायद, तो खुद कर रहा है। और पॉपकॉर्न को धोकर के ले आया, वो टिश्यू पेपर से तेल एकदम जा ही नहीं रहा था, बहुत ज्यादा उस पर घी डाला हुआ था या जो भी था बटर था, तो हो ही नहीं रहा था। तो उसको धो करके फिर अच्छे से टिश्यू पेपर से पोंछ दिया है, और अब आयरन को गर्म कर दिया है। ऐसे रखो, ऐसे रखो, डर भी लगता है। अरे छोड़ो छोड़ो, ऐसे दिखता है, ऐसे दिखता है, छोड़ो, ऐसे ठीक है। बीच में और आयरन पर इतना सारा पॉपकॉर्न डाल दिया है, और अब देखते हैं क्या होता है, बनता है या नहीं बनता है, कहाँ कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। खैर अभी तो फॉरन जस्ट डाला ही है, मुंह पे नहीं फटना है, मेरे मुंह फटा कुछ नहीं। आयरन तो अभी ऑफ हो गया, ज्यादा हीट हो गया इसलिए इधर से ऑफ हो गया आयरन। ये वाला आयरन, ये वाला आयरन है, जब ज्यादा हीट होता है तो ऑफ हो जाता है, तो इस पर तो फिर बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये थोड़ी ना है कि नहीं, ऐसे ही आयरन था। अच्छा देखो देखो, और इस वाले आयरन पे तो बन ही नहीं सकता है, क्योंकि इस पे ज्यादा हीट हो ही नहीं रहा है, यहाँ से थोड़ा सा भी हीट एक्स्ट्रा हीट होता है तो यहाँ से ऑटो कट हो जा रहा है। तो ये जो पुराना पहले जो एक लोहे का आयरन होता था जो ऑटो कट नहीं होता था, तो ये उसके लिए ये वाला एक्सपेरिमेंट है। तो तुम्हारा एक्सपेरिमेंट तो फेल हो गया, मतलब इसलिए फेल हुआ कि ये आयरन उसके लिए है ही नहीं है। चलो हटाओ, रखो सारा उस पर डालो पॉपकॉर्न डालो। और इस बार सीजन का सीजन में फर्स्ट टाइम खरबूजा आया है, तो ये दो खरबूजा लेकर के आए हैं। अब काशिप रमजान में मिल रहा था लेकिन हम नहीं ले रहे थे, क्योंकि रमजान में ये सब अच्छा नहीं लगता है, खरबूजा कौन खाता, क्योंकि फ्रूट चाट और वो बना देते थे फ्रूट क्रीम, तो उसमें खरबूजा तो यूज़ होता नहीं है, तो इसलिए नहीं ला रहे थे। तो इस बार ये वाला आया है, तो ये ज़्यादा हमको तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है, तरबूज से अच्छा ये वाला लगता है। इसमें इसका फालूदा बना करके काट के इसको फिर चीनी वीनी डाल के फालूदा बना के फ्रीज़र में रख देते हैं ना, तो एकदम ठंडा ठंडा चिल्ड हो जाता है, उसके बाद वो खाने में फिर बड़ा मज़े का लगता है। तो दो आया है, और बस अब तो अब शाम हो गई है, रात हो गया, 9 बज गया, तो कल फिर इसको काटेंगे, दोपहर में काट के रख देंगे तो फिर शाम में खाएंगे। और आरे स्लाइम बना बना के पापा का सारा बोरोलिन खाली कर दिया था, तो फिर बोरोलिन आया, अब फिर कहीं ना स्लाइम बनाना शुरू करे, तो जितना उनका पूरा फुल बोरोलिन था सारा ख़त्म कर दिया, अभी फिर मंगाए आज। और एक ये भी लेकर के आया, अमूल की काजू कतली है, तो पता नहीं ये कैसा लगेगा खाने में, अमूल का है, देखा नहीं है, टेस्ट करके देखेंगे कैसा लगता है। और पता नहीं कैसा टेस्ट है इसका, ये जो सुधा वाला अमूल का है, देखिए खाकर आप देखे तो पापा, वैसे ही टेस्ट एकदम जैसा बाजार उसके यहाँ का रहता है। कैसा है? कहाँ से? सुधा से, सुधा वाले क्या से? ओ अमूल का। लेकिन उसका ज्यादा अच्छा होता है, 56 भोग का है ना, इसमें कुछ सेंट है ना, इसमें है ना कुछ सेंट की तरह कुछ मीठापन है ना। और अभी फिलहाल रात के 11 बज चुके हैं, खाना वाना हो गया, काफ़ी देर हुई खाना खाए हुए, और बस अब इस व्लॉग को एंड करेंगे। तो छोटू सा व्लॉग है, बहुत ही छोटू से व्लॉग के साथ इस व्लॉग को एंड करेंगे, और ज़्यादा व्लॉग बनाया नहीं है क्योंकि घर में जा नहीं रहे, बस जो डेली रूटीन है वही आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो बस कुछ मौका नहीं मिल रहा है, कुछ बाहर जाने की ऐसी कोई ज़रूरत भी नहीं हो रही है। अभी 9 to 9 से सारी ग्रॉसरी की सारी शॉपिंग कर लिया था, ना मार्केट जाना है अभी, क्योंकि अभी ईद के टाइम में तो इतना ज़्यादा आज इसका भी सारा कुछ हो गया है, हम भी अपने बहुत शॉपिंग किया था, तो बस अभी कुछ दिन घर में ही आराम कर रहे हैं। और नहीं भी जा रहे हैं कि अभी यार इसका समर वेकेशन अभी स्टार्ट होगा, तो फिर वो कहीं ना कहीं घुमाने का जिद करेगा ही कि समर वेकेशन स्टार्ट है ले जाओ। और अभी फिलहाल खैर आरिस को तो छुट्टी है, 3-4 दिन तो उसको कंटिन्यू छुट्टी हो गई, फ्राइडे तो गया नहीं था, एक दिन गया नहीं, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन तो ऐसे ही ऑफ है उसका, लेकिन फिर भी नहीं निकल रहे, छोड़ो अब समर वेकेशन होगा तो फिर छुट्टी वाला मूड आ जाता है, तो 2-3 जगह तो उसको ले जाना ही पड़ता है घुमाने के लिए, तो बस इसलिए अभी आराम से घर में है। और गर्मी भी इधर काफ़ी बढ़ गई है 2-3 दिन से, तो बस वही है। तो चलिए अब क्या इस व्लॉग को एंड ही करेंगे, तो आई होप आज का व्लॉग आपने इन्जॉय किया होगा, पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।